हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप एंड आल्सो वेलकम टू फटाफट सीरीज। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं गाइस, वो एक्ट है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, और ये सेशन उसका पार्ट टू होने वाला है, राइट। तो जिन्होंने भी इसका पार्ट वन नहीं रेफर किया है, आप उसको प्लीज रेफर करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स में से, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, राइट। तो आपको ये सेशन मिस नहीं करने हैं, बहुत छोटे सेशन है गाइज, बहुत कम टाइम लगेगा आपको इन सेशन को रेफर करने में, बट अगर आप इनको सक्सेसफुली लगातार कंटिन्यूअसली अगर आप इसको रेफर कर रहे हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम चेंजर होने वाला है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द होमवर्क क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, दैट इज एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। सो द क्वेश्चन वॉज, एज पर द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, वॉट इज द पीरियड फॉर क्लेमिंग कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ क्रू मेंबर ऑफ एन एयरक्राफ्ट। ठीक है, अगर किसी एयरक्राफ्ट की क्रू मेंबर की डेथ हो जाती है, तो कब तक जो कॉम्पेंसेशन है वो क्लेम किया जा सकता है। सो योर ऑप्शन आर, विद इन सिक्स मंथ्स आफ्टर द न्यूज ऑफ द डेथ हैज बीन रिसीव्ड बाई द क्लेमेंट, विद इन वन ईयर आफ्टर द न्यूज ऑफ डेथ हैज बीन रिसीव्ड बाई द क्लेमेंट, within 2 years of the after the news of death has been received by the claimant, or within 3 years after the news of death has been received by the claimant। to claimant kon hoga jo bhi claim karega compensation, to kab tak kar sakta hai, ye question hai guys। so the right answer is option number b, that is within 1 year after the news of death has been received by the claimant। theek hai, to jise bhi yahan pe compensation claim karna hai, wo within 1 year, jab se uske paas ye news aayi ki crew member ki death ho gayi hai, tab se lekar 1 saal ke andar wo jo compensation hai wo claim karna padega, right। So this is the right answer, and here you can see, here you can read the explanation as well, that is in the case of a death of captain or other members of the crew, the claim for compensation shall be made within 1 year after the news of the death has been received by the claimant, or where the aircraft has been or is deemed to have been lost with all hands within 18 months of the date on which the aircraft was or is deemed to have been so lost। ठीक है, तो अगर यहाँ पे death की news है तो 1 साल के अंदर, लेकिन अगर यहाँ पे aircraft ही lost हो जाता है, तो उस case में within 18 months। तो ये सारी ही की सारी लिमिट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ टुडे सेशन, विच अथॉरिटी शैल ऑथेंटिकेट ऑल ऑर्डर्स एंड डिसीजंस ऑफ कॉर्पोरेशन अंडर द एम्प्लॉयज अंडर द प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, तो यहां पे कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एसिक। ठीक है, तो वहां पे कौन सी ऐसी अथॉरिटी जो सारे के सारे ऑर्डर्स एंड डिसीजन जो होंगे कॉर्पोरेशन के, उसे ऑथेंटिकेट करेगी, दिस इज द क्वेश्चन। तो योर ऑप्शन आर, द डायरेक्टर जनरल, द फाइनेंशियल कमिश्नर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। So the right answer is option number A, that is the director general, right? So here you can read, all orders and decisions of the corporation shall be authenticated by the signature of the director general। ठीक है, तो यहाँ पर director general के signature से ही सारे orders और सारे decisions जो भी होंगे corporation के, उन्हें authenticate किया जाएगा, right friends? Question number 2 is, which of the following shall decide if any question or dispute arises as to the rate of wages of an employee under the Employees State Insurance Act 1948। ठीक है, अगर कोई question आता है, कोई dispute आता है with respect to the calculation of rate of wages of an employee under this act, तो इनमें से कौन सी authority जो है वो इस चीज को, इस question को resolve करेगी। तो your options are Director General, Financial Commissioner, Employees Insurance Court और State Government। Tell me the right answer, guys. The right answer is option number C, that is Employees Insurance Court, right? So Employees Insurance Court जो होगा वो इस चीज को resolve करेगी, अगर ऐसा कोई dispute आता है, ऐसा कोई question आता है तो। So here you can read, matters to be decided by the Employees Insurance Court, तो ये सारे matter वो decide करेंगे, इनमें से एक matter ये भी जो हमारा question था, the rate of wages or average daily wages of an employee for the purpose of this act। बस आपको ये चीज याद रखना कि इस particular act के बारे में ही बात हो रही है, right? अगर किसी और act में कोई dispute है, तो वहाँ पे कोई और authority रहने वाली है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एक्ट की, तो यहां पर कौन करेगा, यहां पर एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट करेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 इज, एज पर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी। ठीक है, तो स्टैंडिंग कमिटी के जो भी मेंबर्स होते हैं, उनका टर्म क्या होता है, ठीक है, कितने दिन के लिए वो ऑफिस में रहते हैं। सो योर ऑप्शन आर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर्स। So the right answer is option number B, that is 2 years। ठीक है, तो office of term जो होता है उनका, वो 2 years का होता है। So here you can see, term of office of members of standing committee, so term of office of member of the standing committee shall be 2 years from the date on which his election is notified। ठीक है, जब से election notify हुआ है, तब से 2 साल का जो उनका होता है tenure होता है।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज हु शैल पे इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉय बोथ द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे इंश्योरेंस वाला, वो कौन एम्प्लॉय के बिहाफ पर कौन पे करेगा, राइट? तो योर ऑप्शन आर एम्प्लॉय खुद करेगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगा या इमीडिएट एम्प्लॉयर करेगा। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गाइस? So the responsibility lies with the option number B, that is principal employer. The principal employer की responsibility है और liability है कि जो भी contribution है employer के behalf पर भी और employee के behalf पर भी वो इन्हीं की responsibility है, यही deposit करेंगे, that is principal employer, right? So here you can read also principal employer to pay contributions in the first instance. So the principal employer shall pay in respect of every employee whether directly employed by him or through an immediate employer both the employer's contribution and the employee's contribution. ठीक है, तो employer और employee दोनों का ही contribution कौन pay करेगा? Principal employer. Question number fifth is, as per the Employees State Insurance Act 1948, the insured persons or their dependents or the person shall be entitled to which of the following benefit? ठीक है, तो कौन से benefit के लिए वो लोग entitled रहेंगे? Your options are periodical payments to any insured person in case of a sickness, periodical payments to an insured woman in case of confinement or miscarriage or sickness arising out of pregnancy, confinement, premature birth of a child or miscarriage, medical treatment for and attendance on insured persons or all of the above. तो अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है, ठीक है, इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो हियर यू कैन रीड क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे यहाँ पर, चाहे वो सब्सक्राइबर हो, चाहे इंश्योर्ड पर्सन हो, चाहे उसके डिपेंडेंट्स हो, राइट? तो उनको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और यहाँ पे जो हमने बोल्ड किया हुआ ये हमारे ऑप्शन, राइट? तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट गाइस? So this is the homework question guys. Members of the corporation may resign by giving notice in writing to which of the following authority under the provisions of Employees State Insurance Code Insurance Act, right? तो यहाँ पे जो corporation के member है वो resign जब करना चाहते हैं तो किसे notice देंगे resignation अपना? तो basically ये question है, your options are state government, central government, director general of the corporation or the chairman of the corporation. तो इसका जो भी right answer है guys वो आपको नीचे comment box में comment करके बताना है, और इसका जो सही answer होगा that we will discuss in the next session, ठीक है? So this is all for this session guys, and those who are looking for any course guys, so we have launched 3 different courses for both APFC and EO and AO examination, that is Master Pack, Test Series Plus and Test Series, right? So what are the features of this course, what are the attributes of this course, what is the discount applicable on them? So these all things you can get to know by referring the link given in the description box below, okay? वहां से सारी information आपको पता चल जाएगी. So thank you very much friends, this is all for this session, we'll meet in another session, till then goodbye and happy learning friends.